अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैदराबादी शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं भिंडी 65। पहले हम लोग लेंगे भिंडी, कोथमीर, करेपाक, लहसुन, जीरा। पहले हम लोग इसमें लहसुन डाल देना, लहसुन, जीरा, करेपाक, लाल मिर्च पाउडर 3 चम्मच डाल देना इसमें, 1 चम्मच नमक। हम लोग इसको मिक्सर में पीस लेंगे मसाला। अब मिक्सी जार खोल के देख लेंगे, हम लोग पीस गया हो। अब हम लोग इसको ये मसाले को भिंडी के अंदर फ्राई कर सका, इसको इस साइड में काट लेके इसको ऐसा कर देना है। अब इसके अंदर का मसाला, ये मसाला इसके अंदर भर देना है। ऐसा बना के रख देना है साइड में। फिर सेकंड भी अभी ये भी उसी करना है, ऐसा खोल देना इसको, खोल के मसाला इसमें भर देना। बच्चे भी खाते, बड़े जने भी खाते, दाल सांभर बहुत टेस्टी रहता है, ऐसा बना के फ्राई करके खाते। अब हम लोग सौ भेड़ियों को ऐसा बना के रखें। हम स्टोव ऑन कर रहे हैं, कड़े लगा के तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं लगता, ज़रा ही लगता तेल। तेल गर्म हुए बाद से हम लोग हल्लू देख के भिंडी इसमें डालना। अभी दिख रहे नहीं, अभी इसको फ्राई अच्छा अच्छा करना। भिंडी अच्छा फ्राई हुए तक इसको मिक्स कर लेना, क्रिस्पी होना है। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इसको हम लोग साइड में निकाल देंगे। बहुत टेस्टी है ये, यमी यमी है ये। अब ये दूसरी बार भी ऐसे फ्राई करेंगे, कम आंच पे रख के फ्राई करना, भिंडी दाग नहीं लगेगा। बहुत टेस्टी यमी यमी रहता है ये, छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये, बहुत हेल्दी रहता है। वो रोटी में भी खा सकते हैं, खाने में भी खा सकते। हम लोग पहले फ्राई करे हुए इसमें झुका देंगे, उसके बाद कोथमीर डाल देंगे, ज़रा फ्राई करेंगे। देखो अच्छी बो आ रही है ये, चलो हो गया। इसको ऑफ कर देंगे, ये फ्राई हो चुका है, इसको हम लोग साइड में प्लेट में निकाल देंगे, चूल्हा ऑफ कर देंगे। भिंडी फ्राई बहुत टेस्टी है, अब यमी यमी है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।